देश में गदर है, एक तरफ सीमा है तो दूसरी तरफ ज्योति मौर्य। सीमा पाकिस्तान से आई है जबकि ज्योति भारत की बेटी है। दोनों ही अपने रिश्ते से निकलना चाहती हैं, जिसके लिए उनके पास वजहें भी हैं। जी हाँ, लेकिन दोनों ही और दोनों को लेकर के समाज अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सोच बना रहा है, किसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। किसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है हम ये भी देख रहे हैं। ये फर्क आखिर क्यों है, आज हमारी मेगा डिबेट इसी पर होगी। और डिबेट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सीमा और ज्योति की कहानियां एक जैसी नजर आती है। लेकिन देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, जैसा कि समीर ने बताया, महिलाओं की सामाजिक संसद आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहुंची है। इन महिलाओं से हम जानेंगे कि आखिर समाज का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सीमा और ज्योति के प्यार को लेकर के। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बॉल के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं सीमा और ज्योति आखिर उलझी पहेली क्या है। समीर, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और दोनों ही केसेस को जरा समझते हैं। सीमा और ज्योति की पहली कैसे उलझती नजर आ रही है, एक समान बात क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। ये समानता है इन दोनों केसेस में सबसे बड़ी। सीमा और सचिन के रिश्ते में दोनों की पूरी सहमति है। समानता क्या है दोनों केसेस में, ये हम आपको बता रहे हैं। और ज्योति और मनीष के केस में भी रिश्ते में दोनों की पूरी सहमति है, रजामंदी है। जी, लेकिन भारत का समाज क्या सोच रहा है, ऐसे रिश्तों को ठीक नहीं मानता है भारत का समाज। सीमा सचिन के रिश्ते से प्रभावित सीमा के पति गुलाम हैदर हुए हैं और साथ ही सीमा गुलाम के 4 बच्चे हैं। ठीक उसी तरीके से ज्योति, और अगर हम ज्योति और उनके पति की बात करें तो देखिए, सीमा सचिन के रिश्तों से प्रभावित जो है ज्योति मनीष के रिश्ते से क्या प्रभावित हुआ है, ज्योति के पति आलोक मौर्य और ज्योति और आलोक के 2 बेटियां भी हैं, ये जरूर प्रभावित हुए। समीर, बिल्कुल, यानी दोनों के परिवार यहां भी प्रभावित हुए हैं। जाहिर है, जब इस तरह के रिश्ते सामने आते हैं तो प्रभाव तो हर परिवार पर पड़ता है और ये लाजमी है। सीमा का आरोप क्या है, पति और ससुराल हमारा उत्पीड़न करता है। ये सीमा का आरोप, पति और ससुराल उत्पीड़न करता है, यही आरोप ज्योति ने भी लगाया है, ज्योति मौर्य ने भी लगाया है। बड़े सवाल क्या खड़े होते हैं, ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की कहानी क्या बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ये बड़ा सवाल। साथ ही सीमा से सहानुभूति दिखती है जबकि ज्योति के बारे में बात की जाती है तो ज्योति के साथ किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं। क्या सीमा का कथित भारत प्रेम उसे बचा रहा है जबकि ज्योति मान्यताओं और संस्कारों के खिलाफ नजर आती है, ये वो बड़े सवाल हैं। सभी बिल्कुल, अगर रिश्ते परेशान करने लगे तो औरतों को इससे बाहर निकलने का क्या कोई हक नहीं है। कानून अगर हक देता है तो फिर समाज को दिक्कत कैसी, और समाज का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों नजर आता है इन दोनों ही केसेस में। सीमा हैदर के साथ इतना जबरदस्त समर्थन, इतना सपोर्ट, और ज्योति मौर्य को इतनी हिकारत भरी नजरों से क्यों देखा जा रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, यही सवाल है। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी चर्चा की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी मॉडल हैं और सोशल इश्यूज पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा दीपिका नारायण डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा आशिना सवारका मॉडल है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और रिचा सूद सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसर्विश रेन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समाज के अलग अलग तबके से हमने महिलाओं को आज खास तौर पर न्योता दिया है टीवी 9 भारतवर्ष की इस चर्चा में। मानवी, पहला सवाल आपसे, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, इसकी वजह क्या है। एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका भी, ज्योति मौर्य जो हिंदुस्तान की बेटी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका भी, फिर समाज का नजरिया अलग कैसे हो जाता है दोनों केसेस को देखने के लिए।